अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट पंजाब पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल ड्राइवर हजरात के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको 100% पुलिस कांस्टेबल की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। बाकी पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं तैयार किए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज डैश, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तरबेला डैम। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मंचर लेक इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। पाकिस्तान हैज डैश परसेंट एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो पाकिस्तान में डैश फीसद रकबा जंगलात के नीचे है, तो 5.7% इसका करेक्ट ऑप्शन है। दी ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, तो पाकिस्तान की कदीम तरीन बंदरगाह कौन सी है? तो पोर्ट कासिम इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा म्यूजियम लाहौर म्यूजियम है। नवाज शरीफ पार्क विच वॉज रिनेम्ड एज इलामा इकबाल पार्क इज लोकेटेड इन डैश, तो रावलपिंडी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हु वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जना इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ कुरान एंड सुन्ना, कौन इस्लामिक कवानीन के माहिर थे? तो राणा भगवान दास इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अयूब नेशनल पार्क इज सेचुएटेड इन, तो अयूब नेशनल पार्क किस जगह वाकया है? तो रावलपिंडी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। द फर्स्ट टीवी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन वॉज इस्टेब्लिश इन, तो पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन लाहौर में कायम किया गया था। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान कहाँ वाकया है? इस्लामाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विच इज द मेजर खरीफ क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खरीफ फसल कौन सी है? कॉटन इसका करेक्ट ऑप्शन है। साइड पे आपको मेजर खरीफ क्रॉप्स की लिस्ट मिल जाएगी। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे छोटा सिविल अवार्ड कौन सा है? तमगा खिदमत इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। द गंदहारा सिविलाइजेशन फॉलो द रिलीजन, तो गंदहारा तहजीब ने किस मजहब की पैरवी की? तो बुद्धिज्म इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। एरिया ऑफ थर डेजर्ट इन स्क्वेयर माइल्स इज डैश, तो सराय थर का रकबा डैश मुरबा मील है, 77,000 माइल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मंदरजा जैल में से कौन पाकिस्तान का आइन साज असम्बली का पहला सदर था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कायदे आजम। विच वैली इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ खुरम पास, तो खुरम पास के आखिर में कौन सी वादी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोहाट वैली। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो कौन सा दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है? तो खैबर पास इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। कारीज इज द इरीग्रेशन सिस्टम ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो बलोचिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following fort is known as Fort Ahmedabad? कोट दीजी जो है इसको किले अहमदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। Which is the largest city of Pakistan? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कराची। कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। River Indus starts making delta near the city of, तो दरिया सिंध ने किस शहर के करीब डेल्टा बनाना शुरू किया? तो ठटा सिटी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा सेहरा मियावाली बकर खुशाब और डीजी खान के इजला पर फैला हुआ है? तो थल डेजर्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। लायलपुर इज दी ओल्ड नेम ऑफ, तो लायलपुर किसका पुराना नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। फादर नेम ऑफ इलामा इकबाल वॉज डैश, तो इलामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? तो शेख नूर मोहम्मद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स वॉज इस्टेब्लिश इन द रीजन ऑफ, तो पाकिस्तान स्टील मिल किस दौर में कायम हुई? तो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में स्टील मिल्स कायम हुई। विच माउंटेन रेंज हैज ए लेंथ ऑफ 27,000 किलोमीटर, तो हिमालय माउंटेन रेंज की लंबाई 27,000 किलोमीटर है।
विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स कराना हिल, तो कौन सा शहर कराना पहाड़ों के लिए मशहूर है? संगला हिल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। The highest peak of Karakoram range is, तो कराक्रम सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो K2 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Which country capital is situated near the Margala Hills? मारगला की पहाड़ियों के करीब किस मुल्क का दारुलहुकूमत वाकया है? तो पाकिस्तान इसका करेक्ट ऑप्शन है। वर्ल्ड वाइड नागा पर्वत इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, दुनिया भर में नागा पर्वत में डैश सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, तो 9 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।